study? उन्नीसवीं शताब्दी अमेरिका। ये वो वक्त था जब सब लोग वेस्ट की तरफ जा रहे थे ताकि नई जगह पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि अब तक कोई कानून नहीं बना था, इसलिए हर कोई बॉस था। मिका के एक बहुत बड़ा अपराधी जो अब नहीं रहा, इसके सर पर 20,000 रुपए थे। चलो मुझे तो यकीन ही नहीं होता था। ये पैसे मेरे हुए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो शिनचैन? अरे ये तो बहुत खतरनाक सांप है और ये गुस्से में लग रहा है बेटा। आपको गुस्सा आ रहा है? तुम बिल्कुल मत हिलना, मुझे लगता है ये जहरीला है। मैं कुछ करता हूँ। कैसे हो मेरी दोस्त? अरे मैंने कहा हिलो मत शिनचैन। निकल क्यों नहीं रही? आपने तो सच में कमाल कर दिया। हम आप जैसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे। वैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे गाँव आए और हमें बचा ले। वो बहुत ही खतरनाक है, उनका नाम है गामिल चीनी गैंग। ठीक है, पर हम तो कहीं और जा रहे थे। उनकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आप उन्हें हरा दीजिए, आपको हम इनाम देंगे। पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मैं कैसे करूँगा? अब आएगा मजा, ले चलो अपने गांव। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए। हमें गामिल चीनी गैंग के बारे में बताइए। इनके गैंग में करीब 20 से 30 लोग जरूर होंगे। इतने सारे 20 से 30 लोग? अगर हम उन्हें पकड़ लेंगे तो क्या आप हमें इनाम देंगे? इनाम के तौर पर हम आपको देंगे चावल और दाल। कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखिए बात यह है कि वो हमारा सारा पैसा लेकर जा चुके हैं, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखिए बात पैसों की नहीं है, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। आप उन लोगों के बारे में जल्दी से घर की ओर भागो। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? सुनिए गांव वालों, आप सब लोग घरों के अंदर चले जाइए और बाहर बताइएगा। अब हम क्या करेंगे हैरी? अरे देखो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वैसे दाल और चावल भी काफी होते हैं। अच्छी तुम ऐसा करो, शिनचैन को लेकर अंदर चली जाओ। हाँ मैं समझ गई, लेकिन शिनचैन गया कहाँ? लगता है आज हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे नहीं, अब तो मेरी बारी है, अब देखता हूँ। अरे निशाना क्यों नहीं लग रहा? क्या लगता है गांव वालों को कि ये लोग उन्हें बचा लेंगे? ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक लड़की, एक बच्चा और एक आदमी, ये लोग कर क्या लेंगे मेरा? अभी यहाँ से निकलना चाहिए। चलो गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मत समझना कि मैं डर गया, मैं कल फिर से आऊंगा और कल तुम